खगड़िया के बलुवाही में जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने जाप के संरक्षक पप्पू यादव पर कोरोना काल में हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। वहीं बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की गई। जो राष्ट्र के सेवक राजेश रंजन पप्पू यादव जी पर जो फर्जी मुकदमा किया जा रहा है लगातार बिहार सरकार के इशारे पर और भारत सरकार के इशारे पर, एक तरफ इनकी राष्ट्र सेवा भावना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, दोनों को पच नहीं रहा। उनको लगता है हमारा संसद विधायक तो अभी बिल में बंद है और देश का नायक राष्ट्र नायक महानायक पप्पू यादव बिना जान की परवाह किए जनसेवा में लोग लगा हुआ है। इसे घबरा करके इसे सेवक पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। और आपको जानकारी दें, जो छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जो कितने 40-40 एम्बुलेंस को अपने घर में बंद रखा लगातार 1.5 वर्षों से, और जब इसका उजागर काले कारण में का उजागर आदरणीय पप्पू यादव जी ने किया तो उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। 24 घंटे के बाद, जबकि जानकारी हो कि लगातार पप्पू यादव जी मीडिया के साथ लगातार वहां पर पहुंचे हैं, तमाम फोर्स है, और 24 घंटे के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने गुंडे के सहारे पहले खुद तोड़फोड़ करवाया, उसके बाद पप्पू यादव जी पर मुकदमा करने का काम किया है। इतना ही नहीं, उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने गुंडे के द्वारा जान से मारने की धमकी दिया है। उसके खिलाफ आज पूरा बिहार के नौजवान, छात्र नौजवान और किसान एक है।